हेलो हेलो गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10। अब इस क्वेश्चन नंबर 10 में क्या, इसके स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। इसके स्टेटमेंट में क्या, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन दी पैसेंजर ट्रेन्स टू ट्रैवल 130 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। ठीक है, अगर नबी क्या हुआ विदाउट टेकिंग इन टू कंसिडरेशन इन अ टाइम दे स्टॉप एज इंटरमीडिएट स्टेशन। ये भी बता रहा मैं आपको क्या बताया हुआ। इन्होंने कहा कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है, उसे 1 घंटा कम लगता है किससे, पैसेंजर ट्रेन से, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं 132 किलोमीटर मैसूर और बेंगलोर से। मतलब कि इसमें 2 ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है एक पैसेंजर ट्रेन है, वो दोनों कितना ट्रैवल करती है 132। अगर एक्सप्रेस को 132 डिस्टेंस ट्रैवल करने में जनरली 4 घंटे लगते हैं, तो पैसेंजर ट्रेन को 1 घंटा कम लगेगा। फिर आ गया हमारे पास कि इफ दी, और इन्होंने आगे भी कहा विदाउट टेकिंग इन टू कंसिडरेशन टाइम दे स्टॉप एट ए इंटरमीडिएट स्टेशन। उन्होंने क्या हुआ कि वो स्टेशन पे रुकनी नहीं चाहिए, उसका टाइम नहीं आपको ऐड करना उसमें कि वो 1 घंटा उससे कम है उससे ज़्यादा। उन्होंने कहा बस वो चलनी चाहिए 132, और एक को लगता है 1 घंटा कम और एक को से ज़्यादा लगेगा, जनरल सी बात है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर दी पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, अब पहले आपको एवरेज स्पीड पता है एक्सप्रेस ट्रेन की, पहले तो आपको वो माननी पड़ेगी एक्स, और वो कितनी है पैसेंजर ट्रेन से ज़्यादा। तो पहले आपको पैसेंजर ट्रेन का मानना पड़ेगा एक्स, उसकी स्पीड है, और वो किसके इक्वल आएगी, एक्स प्लस 11 किसके इक्वल आएंगे उसकी स्पीड, एक्सप्रेस ट्रेन के। तो बस आपको इसकी स्पीड से फाइंड करनी है दोनों ट्रेन की। अगर मैं जनरली अब आपको थोड़ा सा शॉर्ट में क्वेश्चन समझाऊँ, 2 ट्रेन थी, एक आपके पास पैसेंजर ट्रेन और एक थी आपके पास एक्सप्रेस ट्रेन, छोटा लिख लो और PAS लिख लो यहाँ पे। ठीक है, और उन दोनों के कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना था टोटल 132 किलोमीटर। ठीक है, अब जनरल सी बात क्या है कि अगर एक्सप्रेस ट्रेन को, मतलब मैं आपको बताऊँ कि ये एक्सप्रेस ट्रेन थी और ये आपके पास पैसेंजर ट्रेन थी, ठीक है, तो आपको जो पैसेंजर, क्वेश्चन में क्या हुआ कि जो पैसेंजर ट्रेन को जो टाइम लगेगा वो 1 आवर लेस लगेगा एज़ कम्पेयर टू एक्सप्रेस ट्रेन की। मतलब कि इनके जो बीच का टाइम बता रखा है ना कि इतना, इसको पैसेंजर ट्रेन को इतना डिस्टेंस में मान लो 6 घंटे लगते हैं, तो इसको कितना लगेंगे, इसको 1 आवर ज़्यादा लगेगा उसके कंपेरिजन में, 7 आवर्स। तो यही है बात इस क्वेश्चन में, सारे इस क्वेश्चन को समझने की। तो अब क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होएगा, अब हम स्टार्टिंग में मानेंगे कि जो हमारे पास एवरेज स्पीड है वो क्या होगी, लेट एवरेज स्पीड किसकी, पैसेंजर ट्रेन की क्या होगी, एक्स किलोमीटर पर आवर मान लिया हमने। ठीक है, ये हमारे पास एक्स किलोमीटर पर आवर है, और सिमिलरली अब हम एवरेज स्पीड मानेंगे एक्सप्रेस ट्रेन की, क्योंकि 2 ट्रेन थे, अब हमने दोनों की स्पीड माननी है, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी है उसकी स्पीड। अब उसकी स्पीड उन्होंने क्या हुआ, उसकी स्पीड 11 ज़्यादा होगी, मतलब कि अगर मान लो इसकी वैल्यू 100 थी तो अगली वाली की वैल्यू क्या होगी, 11 प्लस, तो एक्स प्लस 11 किलोमीटर पर आ। या बुक में से पढ़ सकते हैं कि उन्होंने हमारे पास कापी हुआ था, अगर हम दोबारा से देखें, इन्होंने लास्ट में कहा हुआ था इफ़ दी एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी 11 मोर होएगी पैसेंजर ट्रेन की। ठीक है, तो एक्सप्रेस ट्रेन की 11 मोर है पैसेंजर ट्रेन की हमने एक्स मानी थी, तो आपको ये समझ आ गया कि ये दोनों रिलेशन कहाँ से है हमारे पास। ठीक है, अगर हम पैसेंजर और एक्सप्रेस दोनों के रिगार्डिंग हम टाइम निकाल दें सेम डिस्टेंस पे, तो वो टाइम भी हमें दे रखे कि दोनों के बीच का टाइम भी कितना है 1 आवर। तो कैसे निकालेंगे, अगर हम जनरली निकालूं टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, अब हमें पता भाई टाइम इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इसको हम T1 मान सकते हैं क्योंकि अभी दो ट्रेन थी ना, तो फर्स्ट वाली का हमने मान लिया T1, डिस्टेंस कितना था दोनों में सेम था 132, और स्पीड कितनी थी पैसेंजर की स्पीड थी एक्स, ओके। ठीक है, अब सिमिलरली टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, क्योंकि दो अलग अलग ट्रेन थी ना, दोनों का टाइम से हमने एक दूसरे के रिगार्डिंग निकालना है, इसको मान सकते हैं हम T2,
इसका फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना था 132 और स्पीड कितनी थी पैसेंजर की एक्स प्लस 11। ठीक, अब जनरली हम दोनों का क्या निकालना है, टाइम टेकन किसके इक्वल आना चाहिए, 1 आवर के। ठीक है, अब टाइम टेकन निकालना तो दोनों में से माइनस करके दोनों के बीच का टाइम बताया हुआ है ना 1 आवर, तो हम क्या करेंगे T1 माइनस के T2, इन दोनों के रिलेशन से वैसे भी टाइम 1 आवर में रिलेशन में आ गया। ठीक जा रहे हैं हम, तो T1 की वैल्यू कितनी है 132 अपॉन में एक्स माइनस के 132 एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से समझ आ गया। अब आप यहाँ देखना, हमने T2 माइनस T1 क्यों नहीं करा, मतलब हमने T2 माइनस T1 भी तो कर सकते थे। अगर हम जनरली देखिए 132 अपॉन एक्स और 132 एक्स प्लस 1, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू किसकी है, अब आप खुद देखना, इसके नीचे एक्स और इसके डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 11, तो डिनोमिनेटर किसका बड़ा ज़्यादा, इसका, तो इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा बड़ा है तो इसको जो डिवाइड करेगा तो इसका नंबर छोटा आएगा एज कम्पेयर टू इसके, और इसका डिनोमिनेटर इसके कंपेरिजन में एक्स छोटा है, तो इसको हम कुछ भी मान लें, अगर हम 10 मान लेते हैं तो इसके 13.2 में फैक्टर टूटेंगे और इसके अप्रोक्स आई थिंक शायद 4 या 5 में टूटेंगे। ठीक है, मतलब उसके डिवाइड फैक्टर्स बनेंगे जो इतने भी, मतलब स्प्लिट होके इतने पार्ट्स में डिवाइड होगा वो, तो हमारे पास ये वाला नंबर बड़ा है तभी हम बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, अगर छोटे में से बड़ा माइनस कर देंगे तो टाइम नेगेटिव में आ जाएगा, इसलिए हमने T2 माइनस T1 नहीं करा। ये केस नहीं है T1 माइनस T2, वही आपको एलसीएम लेना और उसके फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए बनाने की ट्राई करना है। अब यहाँ पे इसके साथ आएगा एक्स प्लस 11, अब ये तो एलसीएम है, आप जनरली खुद भी कर सकते हैं उसको, और यहाँ पर आएगा 132 और यहाँ एक्स प्लस 1 था, एक्स प्लस 11 था, 11 11 था दोनों में, और इसके पास एक्स की कमी थी तो एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा जाके इक्वल टू 1। अब यहाँ ओपन कर देना और क्रॉस मल्टीप्लाई 132, इसको ओपन करा एक्स और 132 को अब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, आई थिंक शायद 1452 माइनस के 132 एक्स, और ये उधर गया क्रॉस मल्टीप्लाई होके एक्स इंटू एक्स प्लस 11, 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो 132 से 132 कैंसिल आउट हो चुके हैं। ओके, और अब हमारे पास क्या बचा, अब हम जनरली देखते हैं, अब हमारे पास बचा हुआ है 1452 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर एक्स इंटू 11 प्लस के 11 एक्स, ये क्वाड्रेटिक है, हाँ है, बस इसको एक जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं 11 एक्स माइनस के 1452 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी क्वाड्रेटिक के हमारे पास सिचुएशन आ गई है कि इसके फैक्टर्स इस तरह से बनते हैं। ठीक है, अब हम आगे इसके फर्दर किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, अब हम इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करेंगे तो उसमें हमें ABC की ज़रूरत होगी, तो वही कंपेयर करेंगे जनरल के साथ, कंपेयर करके अब A की वैल्यू क्या आएगी, यही एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट A और B की वैल्यू किसके कोफिशियंट होता है एक्स का 11 और कॉन्स्टेंट वैल्यू को एज इट इज 1452 दोगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने से पहले आपको पहले भी बताया था कि हमेशा क्या चेक करना होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4AC ग्रेटर देन 0 है नहीं है, उसकी वैल्यू रूट में नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, तो उसके रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो वही वैल्यू पुट करेंगे, बी स्क्वेयर की क्या वैल्यू है 11 का स्क्वेयर, ओके, माइनस 4 × 1 इंटू माइनस के 1452। ठीक है, 11 का स्क्वेयर कितना होता है 121, रूट में चल ही रहा था माइनस के, माइनस माइनस प्लस, अब 4 × दिस इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 5808। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करके आ गया हमारे पास ये वैल्यू, अब इन दोनों को टोटल ऐड करके क्या आएगा हमारे पास, अगर हम जनरली देखते हैं तो इन दोनों को ऐड करके आता है हमारे पास 525929, क्या है पॉजिटिव है, ऑफ कोर्स है, और ये आप एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हो, इसका परफेक्ट बनेगा 77। ठीक है, एलसीएम लेके जब आप सोल्व करोगे तो दोनों में से जो भी दो पेयर है उनको बाहर लेते रहना और इसका आ जाएगा आपके पास 77 परफेक्ट स्क्वेयर का। ठीक है, बी स्क्वेयर माइनस 4AC की वैल्यू आई है 77। अब हम इसकी वैल्यू रियल आई है तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, तो हम कैसे लगाएंगे अब वो फार्मूला, अब वो फार्मूला होता है एक्स माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वेयर माइनस 4AC अपॉन में 2 है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब माइनस बी की वैल्यू पीछे थी 11, नहीं बी की वैल्यू तो सिर्फ 11, अब यहाँ पर बी की वैल्यू एज इट इज पुट हुई माइनस था ये प्लस माइनस, अब इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई थी, इस पूरे की वैल्यू पीछे आई थी 77 अपॉन में ए की थी हमारे पास 1,
ठीक है, आप इसको एक बार प्लस में लिख लेना, 7t 7 / 2 एक्स की वैल्यू है, और एक बार सेम इसी की वैल्यू को माइनस में लिख लेना, -11 - 7t 7 / 2। ठीक है, 77 - 11 कितना आएगा, 66 / 2, एक बार एक्स की वैल्यू आई, और इसका आएगा -88 / 2, इसको कैंसिल आउट करके आएगा 33, एक बार आई एक्स की वैल्यू 33 और एक बार एक्स की वैल्यू आई -44। अब हम दोनों में से कौन सी वैल्यू लेंगे, तो इसको देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होगा कि एक्स हमने लेट क्या करा हुआ था। पिछले क्वेश्चन में हमने एक्स को क्या लेट करा था, स्पीड, स्पीड पैसेंजर की या स्पीड एक्सिस में भी आ रहा था, तो क्या स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, तो हम इसको क्या करेंगे, रिजेक्ट और इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारे पास ये एक्स क्या था और हमने पैसेंजर ट्रेन की भी स्पीड यही लेट करी हुई थी, तो एवरेज स्पीड ऑफ किसकी, पैसेंजर ट्रेन की कितनी है, एक्स थी मतलब 33, एज इट इज ये लिख दिया किलोमीटर पर आवर, और सिमिलरली एवरेज स्पीड किसकी, एक्सप्रेस ट्रेन की, उसकी 11 मोर थी पैसेंजर से। ठीक है, मतलब कि 33 + 11 मोर तो कितना आ गया, 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपकी एक स्पीड आई है 44 और एक स्पीड आई है आपकी 33। ओके, तो आपका ये दो क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं।